लंग कैंसर का डायग्नोसिस सुनते ही रोगी और उसके परिवार में एक अंधेरा सा छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे बस जीवन का अंत आ गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सच्चाई से बहुत दूर है। शायद 10, 15, 20 साल पहले यह सच था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अहम चीज यह है कि हम लंग कैंसर को अर्ली स्टेज पे पकड़ लें। अगर हमने उसको स्टेज 1, स्टेज 2 पे डायग्नोज कर लिया अर्ली स्टेज में, तो बहुत सारे केसेस में क्योर यानी कि परमानेंटली उसको क्योर करना संभव है। अगर हमने उसको लेट स्टेज में भी पकड़ा, स्टेज 3 में, स्टेज 4 में, तो 10-15 साल पहले शायद बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल थे उसको ट्रीट कर पाने। लेकिन आज सर्जरी की नई नई पद्धतियां आ गई हैं, दूरबीन वाली सर्जरी यानी बैट सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, ये कई पहले न ऑपरेट होने वाले केसेस को अब ऑपरेट होने लायक बना सकती है। सिस्टेमिक थेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये बहुत सारी ट्रीटमेंट की नई नई पद्धतियां आ गई हैं जो बहुत इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं और यह बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल करते हैं। रेडियोथेरेपी की फील्ड में बहुत प्रोग्रेस हुई है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बड़े ट्यूमर्स को कम से कम साइड इफेक्ट्स में बड़े इफेक्टिव तरह से रेडिएशन दिया जा सकता है। जो सपोर्टिव थेरेपी है उसमें प्रोग्रेस हुई है, डायग्नोसिस के मेथड्स में प्रोग्रेस हुई है। तो ओवरऑल लिखें तो हमें डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक जो प्रोग्रेस पिछले 5-10 सालों में हुई है, उसकी वजह से आज लंग कैंसर पेशेंट्स का आउटलुक बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपको सिम्टम्स हो तो पहले तो कोशिश सब लोग ये करें कि डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी हो जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए, जिससे क्योर संभव हो। और अगर एडवांस स्टेज में भी डायग्नोसिस हुआ है तब भी होप ना छोड़े, क्योंकि आज एडवांस स्टेजेस के केसेस में भी बहुत तरह की इलाज की पद्धतियां संभव हैं, जिससे क्योर ना भी सही तो उसको काफी लंबे समय तक के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेरा मैसेज है कि लंग कैंसर के डायग्नोसिस के बाद ही जीवन, सुंदर जीवन संभव।